97 यानी 5000 नर्सों एवं 4000 से अधिक चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी। सितंबर माह में 1750 से अधिक लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट एवं सैनिटरी इंस्पेक्टर की नियुक्तियां भी पूर्ण की जाएंगी। उसके बाद विगत कुछ वर्षों में 3350 सहायक प्राध्यापक के पदों के विरुद्ध 2775 पदों पर नियुक्ति कर दी गई है। शेष पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर रिक्ति शीघ्र भरी जाएगी। इसके अतिरिक्त 4000 पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग जो बन गया वहीं से अब नियुक्ति होनी है। एक माह के अंदर अधियाचना भेजी जाएगी। सहायक प्राध्यापक की बहाली के इच्छुक लोगों की एक उनके सामने समस्या आ गई। 2009 से 12 के बीच पीएचडी की अमान्यता और एमफिल, ये जो दोनों को लेकर के उनको परेशानी आ रही थी, इसके संबंध में जो इतराज था उनकी भावनाओं का आदर करते हुए नियुक्ति के आधार में आवश्यक परिवर्तन किया जाएगा। और कोविड-19 से ये कोरोना से मुक्त हुए व्यक्तियों के रक्त प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा दान करने पर जो मुक्त हो गए हैं वो ब्लड प्लाज्मा दान करेंगे तो दानकर्ता को धन्यवाद देते हुए राज्य सरकार की तरफ से 5000 रुपये का पुरस्कार उनको दिया जाएगा। ये बात हम लोगों ने तय कर दिया। तो ये सब काम होने वाला है। टीचर से लेकर के जो भी समस्याएं आ गई है सब के लिए भी हम लोग ये सब काम कर रहे हैं। तो ये सब आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि हर तरह से हम लोग यही काम करते रहते हैं रात। अब भाई हमको तो ऐसे ही मौके पर कुछ बोलते हैं, आजकल तो वो चल गया है सोशल मीडिया पर, रोज लोग करेगा ट्वीट, क्या करता है कुछ नहीं जानता वही सब ट्वीट करता है, क्या क्या करता है, कितना काम हो रहा है बिहार में। हम तो सारे अपने आप सब लोगों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि भाई सच्चाई का पहले सच्चाई आती थी, पहले क्या था अब क्या है, आपको खुद विश्लेषण करना चाहिए। हमने तो सरकारी अधिकारियों को भी कहा पहले से लेकर के अब तक जो भी स्थिति है उसका आकलन करके इस बात को लोगों के सामने रखिए ताकि आने वाली नई पीढ़ी को ठीक ढंग से जानकारी हो। हम लोग जितना काम कर दिए, कहीं सड़क था जी गड्ढा था, गड्ढा में सड़क, सड़क में गड्ढा यही कहा जाता था, बिजली था कुछ नहीं था, लेकिन जो कम उम्र के बच्चे उनको कुछ मालूम नहीं, अब वो सब 18-20 के होने जा रहे हैं। तो भाई सबको सही बात होना चाहिए। सोशल मीडिया का दो रूप है, एक पक्ष बहुत पॉजिटिव है उसके माध्यम से सबको सही जानकारी मिलती है और एक पक्ष है इसका दुरुपयोग करता है, कोई काम नहीं करेगा, घर में बैठा रहेगा, सोया रहेगा, कुछ ना कुछ वो कुछ लिख देगा। तो इसलिए इन सब चीजों के बारे में सही बात की जानकारी भी देनी चाहिए। हम इसलिए ऐसे मौके पर भी सब बात अब तक हुआ आपको, हालांकि समय लग गया होगा लेकिन हम तो कोशिश किए अति संक्षेप में ही कुछ बता देना। इतना काम कि हम सब काम की चर्चा कहां की, अगर हम सब काम की चर्चा करेंगे तो आपको कई बार पानी पीने का जरूरत पड़ेगी। हमारे पुलिस वाले ही याद है, उनमें कई लोगों को तकलीफ सुबह से ही ऐसे ही होगा, यहां पर तो लोग अपना अंदर बैठे हुए इनको तो कोई बात नहीं है लेकिन बाकी लोगों को, इसलिए हम ज्यादा आप लोगों को इसमें हम ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे। हम इतना ही कहते हुए इतना ही आपको वचन देते हैं कि भाई लोगों की सेवा करना ही हमारा दिलचस्पी है और आप जान लीजिए लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है और इसी के आधार पर हम आगे चलते हैं। और सरकार की कामना है कि समाज में सद्भाव एवं भाईचारा का वातावरण कायम रहे तथा पर्यावरण का संरक्षण हो और राज्य को कोरोना संक्रमण की महामारी से मुक्ति मिले। सभी चुनौतियों के बावजूद हमारा राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर है, हमारा अतीत गौरवशाली है, विरासत समृद्ध, हम उसी ऊंचाई को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। तो आइए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब यह संकल्प ले कि बिहार को राष्ट्र के मानचित्र पर एक खुशहाल राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए अपना सहयोग प्रदान करेंगे।
बिहार का इतिहास कितना गौरवशाली। तो हम इसको एक खुशहाल राज्य बनाएंगे और इसके लिए हम सब संकल्प लें और सब लोग सहयोग प्रदान करें। और इस अवसर पर मैं पुनः आप सभी को और सभी बिहारवासियों को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अब तीन बार जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। Thank you.